आपके सामने आके जो जो आरोप हम पे शीजान पे उनके परिवार पे लगे हैं उन सभी आरोपों का क्या सच्चाई है वो रखने के लिए हम आपके सामने आए हैं। मेन चीज 24 तारीख को जो तुनिशा ने किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो, लेकिन 23 तारीख को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में जहाँ पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था, तुनिशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूँगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को, उस पर पार्थ उन पर भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहर्ड किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया, शीजान ने पिक्चर देखा, तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है क्यों ऐसा सब कर रही है, बोला नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। बाद में तुनिशा को शूट पे बुलाया गया, तुनिशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया, वहाँ से तुरंत पार्थ को फ़ोन किया कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी माँ को इन्फॉर्म करता हूँ। तुनिशा की माँ को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है, तुनिशा की माँ सेट पे आई है, आने के बाद तुनिशा की माँ को इन सब चीज़ों से अवगत कराया गया है, अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की, आप एक काम करिए, आपके आप बेटी को आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए, ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए या जहाँ कहीं भी जाती हैं आप प्लीज़ उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त ज़रूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी माँ ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनिशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी, 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी, 24 की जो घटना हुई है जहाँ पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ, पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शीजान एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, शीजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी, उस समय शीजान से उसकी बात नहीं हुई है, उसकी बात किसी और से हुई है जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। जहां तक तुनिशा का ये सुसाइड का प्रकरण है उसमें शीजान या उसके पूरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है। शीजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था वो पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। उसके बाद उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे, व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन जो पुलिस के पास ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है, क्योंकि शीजान को फीवर एंड ब्रेन हॉस्पिटल से ही पिक कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, उसका मोबाइल उसी वक्त वहीं से उसके पुलिस के पास आ गया था। व्हाट्सएप में ऐसा कोई चीज़ नहीं निकल के आया है जहाँ पे शीजान या तुनिशा के बीच में किसी भी तरह का आपस में कोई मतभेद थे, वो दोनों लाइफ में मूव ऑन हो चुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुनिशा सेट पे सबसे छोटी थी, बाकी जितने भी एडल्ट कोस्ट एक्टर थे उनमें, जिस वजह से उसका ख्याल रखा जाता था। और शीजान का खुद का एक भाई 22 साल का ऑटिस्टिक है, हम खुद एक एम्पैथेटिक फैमिली हैं, हम काइंड फैमिली हैं, हमारे घर में ये सब चीज़ों की चीज़ क्या होती है और हम उन सब चीज़ों को संवेदन से देखते हुए उसका ख्याल रखते हैं। तुनिशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है वो हमेशा हमेशा सुखी खुशी से रही है, जब भी हमारे साथ है कभी दुखी नहीं थी वो। उनके माँ ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं सभी आरोपों को आप देख लीजिए, तुनिशा की माँ कम, पवन शर्मा ने ज़्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है जो पुलिस ने डे वन से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है।
दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहां तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्ताएं काबुल का, अली बाबा दास्ताएं काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहां पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहां पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी माँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे अपना खुशी से मनाने वाली थी। तुनिशा की माँ का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बट पूरा तुनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो हैं संजीव कौशल और तुनिशा की माँ वनिता शर्मा। मैं हूँ फलकनाज और तुनिशा से मेरा बहन का रिश्ता था, भले खून का रिश्ता नहीं था लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूँ या मेरी मदर हूँ। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम शूट करते हैं तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं और वो चली गई हैं, वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है, आप कर सकते हैं जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। तुनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी वो, मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफ़र कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी, मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले 20 साल की थी लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी, वो जो चली गई है। और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनिता जी, आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। ये वो पिक्चर है जो तुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है और इसका ये नीचे यहाँ पे 3rd September लिखा है और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है और ये
ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21, 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। कि उनको कितने कॉल्स, जब मैं लद्दाख में थी टुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल, मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी, इतने फोन करती थी कि टुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था, क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, एक सेकेंड, अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहाँ भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज़ बोली कि जिस दिन टुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी, और उस बात में वो, उसने ये कहा था, और वो बहुत हैप्पी थी, उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है, तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तेरी, तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मेरी, मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दो एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी, वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम, 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि मम्मा, अम्मा, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था छोटे वाले का, और 25th को क्रिसमस डे पे, और 24th को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे, तो उसने, वो उसको भाईजान बोलती थी, उसने बोला कि मम्मा, अम्मा, मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊँगी। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है, आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट्स दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी, और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी, टिकट तो ऑलरेडी बुक थी उसकी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ, बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है, फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था।